सामने आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री एंथनी स्वामी से विनती करती हूँ कि कर्मचारियों का गुलाब देकर स्वागत करें। अर्जुन राम, मिस्टर सहदेव महतो, मिस्टर लालधारी महतो, मिस्टर अदवारी महतो, श्रीमती मैरी कश्यप, राजू सर, सर मिस्टर नारायण महतो, मिस्टर मदन बोराई, मिस्टर रॉबर्ट एरेन, मिस्टर अमित तिर्की, श्रीमती उषा, ईश्वर उन मजदूरों के हाथों को मजबूत करे जिससे एक बेहतर दुनिया का निर्माण हो, साथ ही मजदूरों के बच्चे स्वस्थ एवं उनके परिवारों के लिए भी पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके परिवार का ढेरों फांसी
कृपा और भरपूर सहायता दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं, आप सबका उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर समस्त सृष्टि के रचयिता, हम विश्व के समस्त मजदूरों को जो अलग अलग कार्यों में लगे हैं उनके बेहतर मजदूरी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि मजदूरों को उचित मजदूरी मिले और उनकी सारी जरूरतें पूरी हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, आपका उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, आज हम सभी ब्लॉकी स्कूल चंद्रपुरा में कार्यरत सभी कर्मचारियों के साथ साथ सभी ब्लॉकी शाखाओं के कर्मचारियों के लिए आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें हमेशा अपनी छत्र छाया में, जो बीमार हैं, जिनके घरों में परेशानियां हैं, उनमें अपनी दया प्रकट कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर संपूर्ण जगत के पालनहार, आज हम अपने विद्यालय के प्राचार्य उपप्राचार्य पुरोहित धर्मगुरु शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थियों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें शक्ति दीजिए ताकि हम सब अपने अपने दायित्व को समझें एवं अपने अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निर्वाह कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, आपका उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे संसद के पालक पिता, आज हम भारत के अन्नदाताओं के को आपके चरणों में अर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर अपना समर्थ प्रकट कीजिए, जिससे वे स्वस्थ रहकर भारत की जनता के लिए एवं अपने परिवार के लिए आल उपजा सके। आप किसानों के परिवारों पर अपनी विशेष आशीष एवं कृपा बनाए रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, आपका उत्तर होगा, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। श्रम संगठन एकाग्रता व्यक्ति के उत्थान की वह प्रथम सीढ़ी है जिस पर कदम रखकर वह व्यक्ति जीवन के सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच सकता है। सुप्रभात श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, श्रद्धेय फादर विजय, शिक्षक वृंद एवं विद्यार्थी तथा श्रद्धा के पात्र हमारे अनुरक्षण कर्मचारी, हम सब प्रातः काल अपने विद्यालय के लिए पहुँचते हैं तो विद्यालय निर्धारण हुआ मजबूती ताकि श्रमिक समूह की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों का जश्न मनाया जा सके। हर कामना पूरी करता है, कहा भी गया है कि धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बने कि जितना परिवर्तन इतिहास के पन्नों को यदि हम पलटते हैं तो ज्ञात होगा किसी सभा के आयोजन में भोजन के सिलसिले में श्री कृष्ण ने लोगों की झूठी पतले उठाकर काम को श्रेष्ठता प्रदान की थी। परिश्रम द्वारा मानव का अंतःकरण जहांगी के जल की भांति पवित्र हो जाता है। परिश्रम का फल जब उसके समक्ष होता है तो हृदय हर्ष तेज से भर उठता है। आत्मबल श्रमेन बिना न कीमती साध्य, हमारे सभी सह कर्मचारीगण को सम्मान देते हुए उनके निष्ठापूर्ण कार्यों के लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते तथा उनका एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य एवं शुभकामनाओं के साथ हम शिक्षक समूह धन्यवाद।
एक श्रमिक हर राष्ट्र के लिए एक निर्माता है। हमें उनकी मेहनत और समर्पण का सम्मान करना चाहिए। आइए हम सब इस अवसर पर उनके परिश्रम और प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए सब आगे आए। मैं हमारे माननीय प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि उनके प्रति हमारी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उपस्थित हों। थैंक यू। टुडे बीइंग द लेबर डे आई वुड रिक्वेस्ट our Reverend Father Vijay S.J. to come and honor this half of the workers on this day. Please, Father, come forward. मैं सारे कर्मचारियों से निवेदन करती हूँ कि जैसे जैसे मैं आपका नाम पुकारूं आप सामने आए। श्री अबोनी पोदार, मिस्टर अरुण अर्जुन राम, ये इधर 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 ये अब अर्जुन दीजिए दीजिए अर्जुन को। मिस्टर सहदेव महतो, Come on, children, give them the big hands because you love and give them the big hands. Very good. Mr. Lalthari Mehto. This is how you can show your love and gratitude to this teacher. Yes. Mr. Adwari Mehto. Thank you, Father, for honoring them. And now may I request our Vice Principal, Mr. Sebastian Moro, please come and honor these people. Thank you.
Tinoro, Reverend Father Vijay S.D., Reverend Sisters, teachers, and my dear students. Actually, I did not want to waste my time, but seeing the spirit of this morning, I would like to say a few things, especially these people who are in front of you. They have given themselves. Yesterday I announced that they do not speak in Hindi, but today please I want to take your permission, all the students, I want to take your permission so that I can speak something in Hindi, because these people, they do not understand English. Thank you, children. Okay, thank you. That's a good thing. And one more thing before I speak something. Till yesterday afternoon, I was so much worried, thinking about the heat. But I prayed to God. But really, see the pleasant weather. I never expected children to stand for long. I never seen anyone collapsing or fainting. It's God's blessing, children. We believe that. Children, we believe that God has blessed you today with a good weather. Yes. Okay, just I have prepared a little bit. I'm not that good with the Hindi, but I'll try my best. मेरे प्यारे मित्रों, हां आप मजदूर हो पर मजबूर नहीं हो। सर्दी में धूप में आप दिख जाओगे। हर भवन हर इमारत का हिस्सा हो आप। हर जगह आपके खून के चिन्ह मिल जाएंगे। जो लिखा ना गया ऐसे खिसा हो आप। हां आप मजदूर हो पर मजबूर नहीं हो। जो देश अपने श्रमिक किसानों कर्मचारियों का सम्मान नहीं कर सकता है, वह देश कभी भी तरक्की के राह पर नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति को अपने मेहनत पर विश्वास होता है, वह कभी भी निराश नहीं हो सकता है। आज मैं सभी मजदूर भाई बहनों का शत शत अभिनंदन करता हूं। आपने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल किया है। हमारे समाज में मजदूर को हमेशा गरीब इंसान समझा जाता है। धूप में मजदूरी करने वालों को ये हम मजदूर समझते हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने वाला हर इंसान मजदूर है। फिर चाहे वो ईंट सीमेंट में सरा इंसान हो या छोटे बच्चों को देखभाल करने करके संभालने वाली आया हो या दरवान हो या फिर साफ सफाई का काम करके स्कूल को स्वच्छ रखने में मदद करने वाला इंसान हो, सब कोई अच्छे मजदूर है। आप जो भी काम करते हो उसे तन मन मेहनत लगन से दिल लगाकर करते हो,
उसी काम के परिणाम से आपकी पहचान होती है और इसी पहचान से आपको इस दुनिया में याद रखा जाएगा। इसलिए आप लोग तुच्छ नहीं हो, बल्कि आप इस समाज का बहुत 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 महत्वपूर्ण हिस्सा हो। धन्यवाद एंड थैंक यू चिल्ड्रन। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही सही सुख का अनुभव कर सकता है। बिना परिश्रम के भोजन की आशा ना करना। अमीरी में इंसान अक्सर अपना सुकून खोता है। मजदूर रूखी सूखी खाकर भी सुकून से सोते हैं। करीब परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। श्रमिक व मजदूर देश के धरोहर होते हैं। परेशानियां आ जाए तो इंसान मजबूर होता है। श्रम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक मजदूर होता है। इस प्रेरक नोट के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर वाइस प्रिंसिपल टू प्लीज कम। हमारे प्रिय श्री बॉडी पोजर से अनुरोध करती हूँ कि वह आके कुछ शब्द है। स्टूडेंट प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, फादर विजय, सारे शिक्षकगण और मेरे मित्र और बच्चे, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी का प्यार हम लोगों पर इसी तरीके से बना रहा। रेस्पेक्टेड मिस्टर अंतोनी स्वामी प्रिंसिपल, रेवरेंड फादर विजय वाइस प्रिंसिपल, माय डियर टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग अस सच अ प्लेजेंट वेदर टुडे। ही इज द ऑथर ऑफ एवरीडे क्लाइमेट एंड सर्टेनली टुडे वी हैव बीन ब्लेस्ड विथ सच अ वंडरफुल प्लेजेंट वेदर। I also like to thank the captain of this school, Mr. Anthony Swami. Under his guidance and leadership, we have had such a wonderful Labor Day celebration, and it was meticulously organized by a team of teachers, coordinators, and students. And to name a few, Mr. Abhishek, Mr. Rohit, Ms. Ganga, and one of the students, Yashika Heliwal, Rish of Standard 10C. They were the brain behind today's function, and they have done a wonderful job. Let us give them a big round of applause. I also like to thank Miss Mary, who spoke today and told us the importance of Labor Day. It was such an inspiring speech by Miss Mary. So thank you, Miss Mary. I also thank Miss Shivani, who compared today's program, and without any
problem we have had at you going to our son. Thank you, wish you all. As already said that we are anticipating the Labor Day today. By one day we are anticipating because it is celebrated on May 1st. And May 1st happens to be Sunday. But we do not wish to miss this important day because our workers are important. Sir, very clearly said, Mazdoors are Mazboot. They are not Mazboot. And because of their existence, their presence in our school, we have a clean campus and we are able to run the school smoothly and all of us enjoy coming and staying here. So once again, I thank all our support staff wholeheartedly for their dedicated service to us. Children, lastly, I want to thank each one of you because such an active participation I did not experience earlier. But today, all of you are very enthusiastic and determined to stay till the end. That's a great thing on your part. So we expect, look forward to the same kind of participation from all of you. Conclude this function with the national anthem, and today you were supposed to have a test in the second period. So second period you will have test from here straight go to classroom. After attendance your test will be conducted. So now get ready for the national anthem. वो बहुत अच्छा डांस करते हैं सर, डांस बहुत अच्छा करते हैं। वो तो खाने के बाद होगा, अभी खाने का बाद होता है, उसमें मीटर चाहिए। मीटर गेट के बाहर। हाँ, हम लोग साजरिया माने संताली गाना गाएंगे। हम ले लिए तो आप लोगों को सबको थैंक यू।